क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि एक इनलेट पाइप है ए और बी, एक साथ एक टंकी को 1.5 घंटे में भर लेते हैं। आउटलेट पाइप सी है, ठीक है, इसे ओपन किया जाता है और कम्प्लीटली टैंक जो है 4.5 घंटे में क्या करता है, ये भर देता है, सॉरी खाली कर देता है। जब ए और सी को ओपन किया जाता है तो ये क्या करते हैं कि 6 घंटे में भर देते हैं। क्वेश्चन में यह पूछा गया कि बी जो है, जब बी पाइप को खोला जाएगा तो इम्प्टी टैंक को कितने घंटे में भर देगा। ठीक है, इनलेट पाइप कौन है, ए प्लस बी है, इन्होंने 1.5 घंटे में पूरे के पूरे टैंक को भर दिया। 1.5 घंटे को फ्रैक्शन में मैं लिख सकता हूँ क्या, 3/2। सी जो है एक आउटलेट पाइप है जो कि 6 घंटे 4.5 घंटे में क्या करता है, खाली करता है। 4.5 का मैं फ्रैक्शन में कितना लिख सकता हूँ, 9/2 कितना, 2, 9/2 2 है ना, 45/10 लिखेंगे, 5 9 45, 5 2 10, 9/2। और एक जो है ए प्लस सी जो है, इसको एक साथ खोला जाता है तो 6 घंटे में टैंक भर जाता है। अगर मैं यहाँ से टोटल वॉल्यूम कैपेसिटी की बात करूँ टंकी का तो कितना हो जाएगा आपका, 18, 3 6 का 18, 6 2 का 12 प्लस बी का एफिशिएंसी, 9 2 का 18, 2 2 का 4, यानी कि ये माइनस वाला है, आप यहाँ पे देखिए खाली करने वाला है। ए प्लस सी का कितना हो जाएगा आपका, 6 3 18, ए प्लस सी का एफिशिएंसी 3 है, सी का एफिशिएंसी -4 है, यहाँ से ए का एफिशिएंसी कितना जाएगा, 7 निकल कर आ जाएगा, क्योंकि सी की जगह पर -4 रखेंगे तो 4 इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। जब ए का एफिशिएंसी 7 है तो बी का एफिशिएंसी यहाँ से कितना हो जाएगा, 7, यहाँ से 12 में से 7 माइनस करेंगे, बी का एफिशिएंसी आ जाएगा 5। टोटल कैपेसिटी कितना है, 18 है, ये कितना टाइम लगेगा, 18/2 कितना हो जाएगा 5, पहुँचते हैं 15 3 सही 3/5। अगर मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करूँ तो 60 हो जाएगा ये, 5 से 12 बढ़ने, तो 3 घंटे 36 मिनट लगेगा टैंकी को भरने में, 3 घंटे 36 मिनट, आप यहाँ पर 3 घंटे कर लीजिएगा, ठीक है, 3 घंटे 36 मिनट, ऑप्शन नंबर बी।